अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अब ये देख रहे हैं ये कबूतर चौक है मिस वाला, ये कोयला कबूतर चौक और आज का कबूतर चौक में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहला उधर ताबू वगैरह लगा हुआ था सामने, वो तूफ़ान की वजह से कुछ दिनों पहले वो पूरा टूट गया था, वो अभी निकाल दिया है। और दूसरा ये देखिए, इस जगह में अभी मक्का बास यानी फ्री बास का एक स्टेशन उन्होंने बना के दिया है, जाके आदमी इस्तेमाल कर सके। अभी तक वो चालू नहीं है, कुछ दिन के बाद वो चालू हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है कबूतर चौक में। और एक बात है, जो हमारा भाइयों बंगला इंडिया पाकिस्तान से इधर आते हैं उन लोगों के बारे में मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, अभी नया कानून उधर लगा हुआ है, कबूतर को अगर दाना देना मना कर दिया। ये जो सामने है ना कबूतर चौक, इसमें आदमियों ने कबूतर को दाना देता है, वो अभी दाना देना सऊदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, और अगर कोई बंदा देगा वो पकड़ेगा तो 1000 रियाल उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और ये देखिए नया चेंजिंग, ये है मक्का बस स्टेशन की बनाया हुआ है यानी फ्री बस का, यानी इस रोड में जितना हाजी होगा तो इधर से जाना पड़ेगा। ये इसलिए किया है, टैक्सी ने ज़्यादा हाजियों से किराया ले लेता है, तो इसीलिए हाजियों के खदमत के लिए ये मक्का बास का एक इधर हरम के करीब, बिल्कुल देखिए ये कलेक्टर टावर है सामने, ये देखिए कलेक्टर टावर के पीछे ये स्टेशन बना गया है। ये देखिए सामने जो दाना बेचता है और रास्ता में माल वगैरह बेचता है कपड़ा वगैरह, वो लोग को अभी बलदिया ने उसको पकड़ रहा है और वो अभी दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के भाग रहा है सामने से। ये देखिए वो गट्टी के अंदर कपड़ा वगैरह लग के वो जो बेचता है रास्ता के अंदर काढ़ा होके, उन्हों को अभी पुलिस ने पकड़ना शुरू किया, वो अभी इधर से भाग रहा है, ये देखिए सामने से दौड़ रहा है।